आज मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ मेरे दिल के बहुत करीब एक उपन्यास से। ये खुद में बहुत खूबसूरत रचना तो है ही, साथ ही मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि इस उपन्यास के मुख्य किरदार इलाहाबाद से हैं और इसके लेखक भी। इलाहाबाद मेरी जन्म और कर्म भूमि दोनों है। उम्मीद है आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइंस और दलदलों की जिंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे हरे खेत भी मिले। और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन में हर रंग के डोर हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार, कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्शियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या एल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप ज़रा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाए तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति देगी। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश। आइडियाज़ तो बहुत सारे थे, मतलब बहुत कुछ एग्जीक्यूट करना था, बट खुद से सिर्फ ट्राईपॉड से नहीं हो पाता है। मतलब ये मैं अपने स्ट्रगल का एक छोटा सा टाइम लैप्स लगा दूंगी लास्ट में। मतलब पूरा तो नहीं कर पाई, बस थोड़ा सा कर पाई थी, तो वो मैं लगा दूंगी, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। बट आई रियली वॉन्टेड इट टू बी एग्जीक्यूटेड लाइक मोर नाइसली एंड स्मूथली, बट दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस एंड आई कॉन्ट इवन टेल यू कि ये कितना ज़्यादा इन्जॉयबल था। लाइक एक तो वीकेंड में ना, एक्चुअली पता है हुआ क्या, आई गॉट अ न्यू आईपैड प्रो, तो वहाँ पे मैंने किंडल ऐप्स, मतलब किंडल ऐप इंस्टॉल किया एंड आई सर्च्ड वन ऑफ द वेरी फर्स्ट नॉवेल्स दैट आई रेड लाइक 12 टू 13 ईयर्स अगो, एंड उसका नाम है गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, जो कि बहुत बहुत अच्छे लेखक हैं। और ये स्पेशली ये जो कहानी है, ये जो उपन्यास है, ये इलाहाबाद शहर के ऊपर लिखी गई है एंड ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने दो बार ये नॉवेल पढ़ी है, बट उसी टाइम पे जब लाइक मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था, एक्चुअली 15-16 ईयर्स पहले मैं कहूँगी कि मैंने ये पढ़ी थी। मेरे एक टीचर ने मुझे ये सजेस्ट किया था एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम टू दिस डे कि उन्होंने मुझे ये नॉवेल बताई। एंड ये एक ऐसी, मतलब अधूरी प्रेम कहानी है ना कि आप भूल नहीं सकोगे। आज शायद 15-16 साल होने जा रहे हैं मुझे और अभी तक वो कैरेक्टर्स, उनके बीच के जो इमोशंस थे, वो मैं भूल ही नहीं हूँ। इतना अच्छा लिखा है धर्मवीर भारती जी ने और मैंने फिर से इसको पढ़ना शुरू किया। आई नो फिज़िकल कॉपी होती तो लाइक अगर बुक होती तो ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग होता, बट आई सडनली गॉट दिस आइडिया एंड आई कुडंट वेट
फॉर दिस आइडिया टू बी एग्जीक्यूटेड, बिकॉज आई नो मैं कुछ सोचूं और वो तुरंत ना हो तो फिर वो स्लिप कर जाती है एंड फिर वो नहीं हो पाता. आई वॉज वेरी यू नो हाई ऑन एड्रेनलिन, सो मैंने कहा कि लेट्स डू इट एंड आई डेफिनेटली कुडंट वेट फॉर द बुक टू बी डिलीवर्ड ऑन माई एड्रेस एंड मैं वो भी ज़रूर लूँगी. वो बुक मेरे पास होनी चाहिए, एक्चुअली मेरे पास थी, मैंने किसी को दी थी पढ़ने को और वो कभी वापस नहीं आई मेरे पास. सो दैट्स दैट एंड प्लीज़ इसमें कोई भी त्रुटि या कुछ भी रह गया हो तो इस बालिका को माफ़ कर देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एग्जीक्यूट किया है एंड दिस इज़ नॉट ईजी गाइज, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स और ये सब करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. एंड ऊपर से लाइक हम लोग अभी फ्लैट में रहते हैं तो बिल्कुल भी ईजी नहीं था, क्योंकि लाइक लोग बार बार आ रहे हैं, यू नो उनको छत पे कपड़े डालने हैं या कुछ भी, यार वीकेंड का दिन है, कोई छत पे आ गया तो बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि आई शुड स्टॉप इट, आई शुड मतलब क्विट द शूटिंग एंड गो बैक टू माई रूम. बट देन आई थॉट कि यार ये लोग तो मुझे पहचानते भी नहीं है, लाइक मुझे अभी एक महीना भी नहीं हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये लोग मुझे पहचानते भी नहीं हैं. अगर उन्हें देख भी गया तो सोचेंगे यार क्या पागल लड़की है, सोच रही होंगी यूट्यूब के लिए कुछ कर रही होगी, तो मैंने फिर उतना ध्यान नहीं दिया. खैर अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे मेरा हौसला बढ़ता है और सच में उससे बहुत हौसला बढ़ता है और आगे काम करने की इच्छा और प्रबल होती है. तो इस तरह के और कंटेंट अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और सजेशंस में अगर आप कोई आपके कोई सजेशंस हो कि मतलब मुझसे ये चीज़ गलत हो गई या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो वो ज़्यादा बेटर लगता या दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता या ज़्यादा अपीलिंग होता, तो प्लीज़ लेट मी नो. मतलब आई वुड रियली लव टू रीड योर कॉमेंट्स एंड या आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई वर्क. अभी तक मैंने एडिटिंग की नहीं है बट आई नो एडिटिंग मैं संभाल लूँगी. तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स के साथ. बाय.